हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड रजनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और नई वीडियो, हाउ टू डू पोस्टिंग और naukri.com। तो अब मैं बता रही हूं कि आपको पोस्टिंग naukri.com पर कैसे करनी है। सबसे पहले आप google.com ओपन कीजिए, उस पर जाकर आप naukri.com ओपन कीजिए, जिसका रिक्रूटमेंट पोर्टल रिक्रूटमेंट साइट वो ओपन कीजिए। अब आप देख लेंगे आपने naukri.com पे रिक्रूटमेंट साइट ओपन किया हुआ है, तो एम्प्लॉयर्स लॉगिन पे या रिक्रूटमेंट इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा naukri.com का, जो एम्प्लॉयर्स के लिए या एचआर उसके उनके लिए होता है। तो चलो अब हम इस पर हम लॉगिन करेंगे। कंपनी की जो भी आईडी है या कंसल्टेंसी की एचआर की जो भी आईडी है जो naukri.com पर है, उससे आपने इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आ जाएंगे आप इसके naukri.com के होम पेज पर। तो होम पेज पर देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें आप या तो पोस्ट एक क्लासिफाइड पर क्लिक कीजिए जो आपके लेफ्ट साइड पे हैं, या फिर आप जाइए सीधे जॉब एंड रिस्पॉन्सेस पर। जॉब एंड रिस्पॉन्सेस पर जाकर आप जाएंगे तो उस पर आप क्लासिफाइड पोस्ट उस पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास तो है क्लासिफाइड की पोस्टिंग, ठीक है। अगर आपके पास हॉट पोस्टिंग अवेलेबल है तो आप हॉट पोस्टिंग उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास है क्लासिफाइड जॉब पोस्ट, तो मैं क्लिक कर रही हूँ पोस्ट एक क्लासिफाइड पर। अब आप ये देखेंगे एक नया पेज ओपन होता है, एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है इसमें। तो अब फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर आगे है, एक फॉर्म ओपन है पोस्ट ए जॉब क्लासिफाइड। अब जॉब टाइटल है, इस पर आप जो भी जॉब टाइटल है वो आप इस पर आप डालेंगे। मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव करनी तो वो मैंने डाल दी है, और फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। अगर आपने लोकेशन साथ में डालनी है तो आप डाल सकते हैं, या कुछ और अपने स्किल्स हाईलाइट करनी तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको जॉब वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड परमानेंट रिमोट उस पर अगर आपने करना है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल रख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप फुल टाइम या परमानेंट कर सकते हैं, या अगर आपको रिमोट में चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास इस पोस्टिंग का प्रीफिल ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैंने ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर दिया है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक बार पोस्ट कर चुकी हूँ इसलिए। अब आप इसका फॉर्म आगे फिलअप कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैंडिडेट प्रोफाइल है, इन सब में आप कर सकते हैं। ये की स्किल्स हैं, तो की स्किल्स में आप जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो भी की स्किल्स हैं जो आपको रिलेवेंट लगते हैं तो उनको आप डाल सकते हैं। आप इस सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूके प्रोसेस, इंटरनेशनल बीपीओ प्रोसेस, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, ये सारे की स्किल्स आप डाल सकते हैं। की स्किल्स वही डालने हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन से या पोजीशन से रिलेवेंट हो। अब ये है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस पे आप डाल सकते हैं। ये है सैलरी रेंज, आप इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं फिल्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप हाइड सैलरी डिटेल्स फ्रॉम कैंडिडेट्स उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिर सैलरी रेंज उनको शो नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये होता है सैलरी रेंज शो होने पर कैंडिडेट्स मतलब कि थोड़े कम आते हैं। तो इसमें हमने हाइड सैलरी डिटेल्स पर क्लिक कर रखा है। अब लोकेशन आप डाल सकते हैं, ऐड पर्क्स एंड बेनिफिट का भी ऑप्शन है, तो उसमें आप इनके पर्क्स और बेनिफिट्स उनको भी आप डाल सकते हैं। लोकेशन डाल दीजिए, नोएडा डाल रखा है, और नोएडा की जो भी लोकेलिटी है वो डाल रखी है। तो मुझे नोएडा सेक्टर 144 के लिए चाहिए तो वो डाल रखी है। इंडस्ट्री हम डाल सकते हैं, मुझे बीपीओ के लिए चाहिए तो बीपीओ का डाल सकते हैं, आईटी सर्विस के लिए तो आईटी से डाल सकते हैं। फंक्शनल एरिया आप डालिए, कैंडिडेट का क्या फंक्शनल एरिया होगा और उसका क्या रोल होगा तो हम वो सब डाल सकते हैं। तो मैंने कस्टमर सर्विस ले रखा है। रेफरेंस कोड आप डाल सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एजुकेशन क्या चाहिए एजुकेशनल। अब इस ये है इंक्लूड वॉक इन डिटेल्स, अगर आपको इसका वॉक इन करवाना है इस पोजीशन का, तो उसमें आप किस डेट से आप स्टार्ट करेंगे और कितने दिन की ड्यूरेशन डेज में आप
ये डालेंगे कि आपको कितने दिन का वॉक इन करवाना है अपने ऑफिस में या जहाँ भी आप करवाना चाहते हैं वहाँ के लिए, और वॉक इन टाइमिंग क्या होगा वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस पर। ये सामने देख लीजिए आप स्क्रीन पर, अभी आप देखिए कैसे इस पर सिलेक्ट कर रहे हैं टाइमिंग्स और कैसे टाइमिंग्स डाला हुआ है। तो बहुत ही इजी फॉर्म है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये ऑप्शन आ गया है, अगर कैंडिडेट से आपने कुछ और क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो आप क्वेश्चनेयर आप प्रिपेयर करके इस पर आप अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस पर एग्जांपल्स के लिए एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया है, प्लीज सेलेक्ट योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, या प्लीज सेलेक्ट योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके अलावा आप अपना खुद का भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ बना सकते हैं इस पर आप। अभी आप सामने देखें इसमें कैसे क्वेश्चन पुट अप हो गया है, और अभी से अगर आपने इतना ही एक वन क्वेश्चन रखना है तो उसको आप अटैच क्वेश्चनेयर उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, मैनेज एंड रिस्पॉन्सेस में अगर आपको रिस्पॉन्सेस अगर ईमेल आईडी पर चाहिए रिलेवेंट एक्स रिस्पॉन्सेस तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं जो आपके नौकरी पोर्टल पे अवेलेबल होगी, वो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं इस पर आप। ये देखिए मैंने अपने ऑफिस की डाली हुई है hr@camptrainingservices.com, ठीक है, इससे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं डालनी है और आपको पोर्टल पे ही इनके रिस्पॉन्सेस चाहिए, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं ईमेल आईडी को। तो आप ये देखिए कैसे हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है। अब हम प्रीव्यू एंड पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें इसका हमें प्रीव्यू नज़र आएगा कि कैंडिडेट्स को ये पोस्टिंग कैसे नज़र आएगी। अब आप सामने देखिए कैसे ये पोस्टिंग नज़र आ रही है ये कैंडिडेट को, क्योंकि जितने ज़्यादा रिलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये ज़्यादा शो होगी पोस्टिंग। अब आप ये देख लीजिए, अब इसमें आगे आप पोस्ट कर सकते हैं।